हेलो मे सी वेलकम टू माय चैनल तो आज की लेक्चर पर हम लोग हमारा नया टॉपिक देखने वाले हैं जो है पॉइंट ग्रुप ओके तो देखिए पॉइंट ग्रुप हमारा चल रहा है ग्रुप थ्योरी का लेक्चर नंबर सेकंड अगर आपने फर्स्ट नहीं देखा है तो आपको आई थिंक पहले वो देखना चाहिए क्योंकि पॉइंट ग्रुप जो है वो लेक्चर फर्स्ट से रिलेट करने वाला है ओके okay? अगर आपको लेक्चर फर्स्ट में जो हमने क्या पढ़ा था लेक्चर फर्स्ट में हमने पढ़ा था एलिमेंट ऑफ सिमेट्री अगर आपको एलिमेंट ऑफ सिमेट्री यानी कि बेसिक जो हमारा ग्रुप थ्योरी का है, वो ही पता नहीं होगा तो आप पॉइंट ग्रुप किसी भी मॉलिक्यूल का नहीं निकाल सकते ओके okay? तो देखिए पॉइंट ग्रुप स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जितना भी मैंने स्टडी मटेरियल यहाँ पर को लिखा हुआ है विथ एग्जाम्पल सारी चीजें प्रॉपर है वो मैं आपको क्या है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे और कमेंट सेक्शन पे इसका लिंक शेयर कर लूंगी आप जाके वहां से ले लीजिएगा ओके okay? फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगे तो प्लीज मुझसे पूछ लीजिए ठीक है अब देखिए पहले क्या है पॉइंट ग्रुप स्टार्ट करने से पहले हमने सब चीजें समझ ली बट मैं एक बार आपको दोबारा चीजों का रिविजन दे देती हूँ क्योंकि क्या है उससे हमारा पॉइंट ग्रुप का जो कॉन्सेप्ट है मतलब कि हमने पॉइंट ग्रुप में पढ़ना क्या है होता क्या है पॉइंट ग्रुप वो समझा देती हूँ ठीक है हमने पहले थ्योरी नहीं देखते, है, पहले होता क्या पॉइंट वो देख लेते हैं ठीक है तो देखिए हुआ क्या था हमने जब लेक्चर फर्स्ट पढ़ा था हमने आपको क्या बोला था कि किसी भी मॉलिक्यूल को हमने चेक करना होता है कि किसी भी मॉलिक्यूल में सिमेट्री है या नहीं यानी कि मॉलिक्यूल हमारा सिमिट्रिकल है या नहीं ठीक है अब कोई भी मॉलिक्यूल है वो एक सिंगल प्लेन ऑफ पेपर पर तो बना नहीं होता है ठीक है हम उसे बनाते हैं सिंगल प्लेन ऑफ पेपर पर यानी टू डी में बनाते हैं बट एक्चुअल में चीजें जो ये मॉलिक्यूल होते हैं वो हमारे थ्री में होते हैं ओके अब मॉलिक्यूल हमारे थ्री में है तो हम उसे कैसे थ्री डी में हम, हम देखो हर चीज मॉलिक्यूल का छोटे छोटे मॉलिक्यूल हमने इमेजिन कर भी लिए लेकिन बड़े बड़े मॉलिक्यूल को हम इमेजिन नहीं कर पाते जिसकी वजह से क्या है हमको कुछ टूल्स दिए गए यानी कि कुछ ऑपरेशंस दिए गए जिनकी हेल्प से हमको पता कर सकते थे कि कोई भी मॉलिक्यूल ठीक है चाहे वो कितना भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल क्यों ना हो उस मॉलिक्यूल में सिमिट्री है या नहीं है ओके तो उसी टूल्स को हम लोग क्या कहते हैं सिमिट्री ऑफ एलिमेंट यानी कि एलिमेंट ऑफ सिमिट्री ओके और एलिमेंट ऑफ सिमिट्री के अंदर पांच टूल्स आते हैं ठीक है तो पहला टूल आपका क्या था सेंटर ऑफ सिमिट्री दूसरा टूल था आपका एक्सेस ऑफ सिमिट्री तीसरा था आपका प्लेन ऑफ सिमिट्री चौथा था रोटेशन रिफ्लेक्शन एक्सेस ऑफ सिमिट्री जो आपका Access of symmetry plane of symmetry का कॉम्बिनेशन था okay? And last one था ओके एंड लास्ट वन हमारा आइडेंटिटी तो इन सारे टूल्स यानी कि इन पांच टूल्स की हेल्प से हम लोग कोई भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल छोटे से छोटा बड़े से बड़े मॉलिक्यूल को चेक कर सकते थे, थे ये मॉलिक्यूल में सिमेट्री है या नहीं है ठीक है इसीलिए हमारी ग्रुप थ्योरी रहती है इतनी चीज क्लियर है ये तो हमने लास्ट वीडियो पे पढ़ा था ओके okay? अब पॉइंट ग्रुप पे हमने क्या करना है पॉइंट ग्रुप पे हमने क्या करना है देखिए अभी तक हम लोग सारे मॉलिक्यूल को सेपरेटली पढ़ रहे थे यानी कि एक मॉलिक्यूल में हम लोग सिर्फ सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात कर रहे थे ओके क्योंकि हमारे पेपर में ऐसे पूछा जाता है बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता हमें एक मॉलिक्यूल में सिर्फ सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं देखनी है हमें एक ही मॉलिक्यूल में ये पांचों के पांचों ऑपरेशन का यूज करना है यानी कि इन्हें सिंगल सिंगल कहीं भी यूज नहीं करते हमने इन पांचों ऑपरेशन को एक ही मॉलिक्यूल में लगाना है यानी कि एक ही मॉलिक्यूल में हम लोग चेक करेंगे एक मॉलिक्यूल है इस पर आप चेक करना होगा कि सेंटर ऑफ सिमिट्री है या फिर नहीं है प्लेन ऑफ सिमिट्री है या फिर नहीं है एक्सेस ऑफ सिमिट्री है या नहीं है रोटेशन रिफ्लेक्शन है 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 या है, या या नहीं नहीं फिर जो ये है, ये है ये आइडेंटिटी है, ठीक है? तो आपको कैसे पता चलेगा आपने ये सब चेक किया उसके बाद आपको पता चला कि इनमें से आपके पास तीन तो एलिमेंट ऑफ सिमिट्री है बची हुई दो सिमिट्री नहीं है तो इसी को आप कहते हैं पॉइंट ग्रुप यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल में कितनी सिमिट्री एलिमेंट प्रेजेंट है उसको आप बोलते हैं उसका पॉइंट ग्रुप इतनी चीज समझ में आए यानी कि जब आप ये ऑपरेशंस को पांचों ऑपरेशन को एक ही मॉलिक्यूल में एक साथ लगाएंगे और ऐसा होगा कि कुछ ऑपरेशन लगेंगे कुछ ऑपरेशन नहीं लगेंगे यानी कि कुछ टूल्स का अब देखिए आपके पास टूल किट होता है ठीक है उस टूल किट में बहुत सारी चीजें होती है ठीक है सबका अलग अलग रोल होता है अब एक ही प्रॉब्लम में सारे टूल्स तो यूज नहीं होंगे ना तो वही बोला एक ही मॉलिक्यूल में सारे टूल्स यूज नहीं हो सकते कुछ होंगे कुछ नहीं होंगे तो पॉइंट ग्रुप उसका वही होगा यानी कि कितने टूल आपने यूज किए हैं वो उसका होगा पॉइंट ग्रुप ओके तो इसी को आप बोलते हैं पॉइंट ग्रुप इतनी चीज समझ में आए मतलब थोड़ा बेसिक सा समझ में आया हम लोग पॉइंट ग्रुप क्यों पढ़ते हैं पॉइंट ग्रुप हमको यही बताता है कि किसी मॉलिक्यूल में कितने सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट है सिंपल तो देखिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर ठीक है तो ये वीडियो काफी लेंथी भी होने वाली है तो स्किप मत कीजिए आप चीजों को समझिए आपको अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी ओके okay? तो यहाँ पर लिखिए डेफिनेशन क्या होती है तो बोला टोटल नंबर ऑफ सिमिट्री एलिमेंट दैट अ मॉलिक्यूल कंटेन इट इज नोन एज अ पॉइंट ग्रुप तो किसी भी मॉलिक्यूल में कितने नंबर के सिमिट्री एलिमेंट प्रेजेंट है आपका कोई मॉलिक्यूल है उसमें कितने सिमिट्री एलिमेंट प्रेजेंट है आउट ऑफ फाइव फाइव आपके पास होते हैं उसमें से कितने आपके पास प्रेजेंट है उसी को उसका पॉइंट ग्रुप कहेंगे अब आपने क्वेश्चंस भी सुने होंगे कि आपको कोई मॉलिक्यूल दिया है और बोला गया है आपने नेट वगैरह के पेपर्स देखे होंगे तो उस पर आपसे पूछा यह जाएगा कि मॉलिक्यूल देंगे और बोलेंगे कि इसका पॉइंट पॉइंट ग्रुप ग्रुप बताओ बताओ मतलब आप उसमें पहले पांचों ऑपरेशन अप्लाई करो और देखो कि कौन कौन से ऑपरेशन अप्लाई हो रहे हैं कौन से नहीं हो रहे और जो हो रहे हैं उसी को आप उसका पॉइंट ग्रुप बोलेंगे ओके और इसकी एक और डेफिनेशन भी थ्रू समझाया हुआ है और बोला है वी कैन से दैट यानी यानी कि कि किसी भी symmetrical body के लिए, उसमें अगर एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो मोलिक्यूल हमारा सिमेट्रिकल होगा तभी तो हम लोग ये टूल्स का यूज करते हैं तो मॉलिक्यूल हमारा अगर सिमेट्रिकल है तो उसमें कितने ऑपरेशन कितने टूल्स हमारे एप्लीकेबल है उसी को हम उसका कहते हैं पॉइंट ग्रुप ओके तो अब टूल्स को यहाँ अलग अलग टर्म यूज कर रहे होंगे कभी कभी ऑपरेशन बोलेंगे कभी एलिमेंट ऑफ सिमिट्री बोलेंगे कभी टूल्स बोलेंगे चीजें सेम है ठीक है कंफ्यूज नहीं होना तो समझ में है पॉइंट ग्रुप क्या होता है पॉइंट ग्रुप क्या बोला डेफिनेशन में कि टोटल नंबर ऑफ सिमिट्री एलिमेंट दैट अ मॉलिक्यूल कंटेन इसी को उसका कहते हैं पॉइंट ग्रुप ओके okay? इतनी चीज क्लियर हुई अभी तक अब देखिए अब यहाँ पर लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ सिमिट्री यानी कि मॉलिक्यूल में कितने सिमिट्री एलिमेंट प्रेजेंट है Okay, कितने नंबर के सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट है कभी एक भी हो सकता है कभी दो भी हो सकते हैं कभी तीन भी हो सकते हैं कभी चार भी हो सकते हैं कभी कभी पांचों के पांच टूल्स आपके अप्लाई भी हो सकते हैं तो इसके बेसिस पे अगेन ग्रुप थ्योरी ने क्या है मॉलिक्यूल को तीन क्लासेस में बांट दिया ठीक है क्योंकि एक साथ पढ़ेंगे तो सारे घिचिर पिचिट कर देंगे तो उनको तीन तीन क्लासेस में आपने सेपरेट कर दिए इन्होंने पहला बोला कि मॉलिक्यूल ऑफ लो सिमिट्री वाले मॉलिक्यूल होंगे दूसरे होंगे मॉलिक्यूल ऑफ हाई सिमिट्री और मॉलिक्यूल ऑफ स्पेशल सिमिट्री ठीक है अलग अलग क्लास में क्लासिफाई कर दिया अब हम तीनों क्लास को सेपरेटली पढ़ते हैं ठीक है तो ध्यान से सुनना आप ठीक है तो पहला है आपका मॉलिक्यूल ऑफ लो सीमिट्री अब मॉलिक्यूल ऑफ लो सीमिट्री से टर्म तो दिया बट इसका मतलब क्या हुआ ठीक है इसका मतलब यह है कि आपके पास कोई मॉलिक्यूल है जिसपे क्या है आपके पांच ऑपरेशन पांच टूल में से कोई भी ऊपर के जो चार टूल्स हैं वो अप्लाई नहीं हो रहे ये जो लास्ट वाला जिसे हम कहते हैं आइडेंटिटी सिर्फ वो अप्लाई हो रहा है तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं मॉलिक्यूल ऑफ लो सिमिट्री क्योंकि इसकी जो सिमिट्री है वो लो है क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो पे भी बताया था ऊपर की चार सिमिट्री को तो आपने ढूंढना होता है आप उसे ढूंढेंगे थोड़ा दिमाग लगाएंगे लेकिन जो पांचवी होती जिसे है जैसे हम कहते हैं आइडेंटिटी वो सारे मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं चाहे मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल हो या फिर ना हो यानी कि सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल दोनों टाइप के मॉलिक्यूल में ये जो आइडेंटिटी है वो प्रेजेंट होती है ओके तो क्या होगा इस टाइप के मॉलिक्यूल को हम लोग लो सिमेट्री क्यों कह रहे हैं क्योंकि इसमें जो ऊपर की चार सिमेट्री है वो अपसेंट है लो है और बची हुई लास्ट तो हमने को पता है सब में होती है इसीलिए ऐसे मॉलिक्यूल को हम बोल रहे हैं मॉलिक्यूल ऑफ लोसिमिट्री समझ में आया इसका टर्म और मॉलिक्यूल ऑफ लोसिमिट्री की जो पॉइंट ग्रुप होती है यानी कि ऐसे मोलिक्यूल जिसमें ऊपर के चार तो आपकी सिमिट्री एपसेंट है बस आपकी आइडेंटिटी प्रेजेंट है ऐसे मॉलिक्यूल का पॉइंट ग्रुप हमेशा सी पॉइंट ग्रुप होता है तो आपने क्या करना है सिर्फ ऐसे मॉलिक्यूल को ढूंढना है आपको कोई मॉलिक्यूल दिया है और आपको पता चले कि उसमें ऊपर की चार यानी कि सेंटर ऑफ सिमिट्री प्लेन ऑफ सिमिट्री एक्स ऑफ सिमिट्री रोटेशन रिफ्लेक्शन सिमिट्री एबसेंट है और आइडेंटिटी तो प्रेजेंट होगी होगी तो ऐसे मॉलिक्यूल को आप सिंपली बोल देना कि इस मॉलिक्यूल का पॉइंट ग्रुप क्या है सीवन पॉइंट ग्रुप है और ऐसे मॉलिक्यूल को आप मॉलिक्यूल ऑफ लोसमिट्री बोलते हैं समझ में आ रही चीजें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ध्यान से समझिए ठीक है इतनी चीज समझ में आई तो यहाँ पर भी लिखा वही है अब लिखा हुआ देखते हैं यहाँ पर सीवन पॉइंट ग्रुप में क्या लिखा है द मॉलिक्यूल विच कंटेन नो सिमेट्री कोई भी मॉलिक्यूल जिसमें कोई भी सिमेट्री नहीं है सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है अदर देन आइडेंटिटी आइडेंटिटी के अलावा ई e के अलावा कोई भी पॉइंट ग्रुप प्रेजेंट नहीं है सच ए मॉलिक्यूल आर पर्टिकुलरली असिमेट्रिकल एंड कंटेन आइडेंटिटी ऐसे मॉलिक्यूल हमारे असिमेट्रिकल होंगे क्योंकि मैंने बोला आइडेंटिटी सब में प्रेजेंट होती है आइडेंटिटी मतलब डूइंग नथिंग आपको कुछ नहीं करना है सारे मॉलिक्यूल में आइडेंटिटी है चाहे वो सिमेट्रिक हो या असिमेट्रिक हो इसका मतलब अगर इसमें ये चारू नहीं है इसमें क्या हुआ मॉलिक्यूल हमारा असिमेट्रिक ही तो होगा तो बोल रहा है ऐसे मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं असिमेट्रिक मॉलिक्यूल और यहाँ पर लिखे सिमेट्री बिलोंग टू टून पॉइंट ग्रुप और इस टाइप के मॉलिक्यूल जो पॉइंट ग्रुप से बिलोंग करते हैं उस टाइप के पॉइंट ग्रुप को बोलते हैं सीवन पॉइंट ग्रुप तो आप डायरेक्टली बोल दीजिए ऐसे मॉलिक्यूल सीवन पॉइंट ग्रुप से बिलोंग करते हैं इतनी चीज क्लियर हुई अब आपने दो एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करना है एटलीस्ट दो एग्जाम्पल तो आप तैयारी रखना अपने ओके तो मैंने दो एग्जाम्पल यहाँ आपको दिए हुए ठीक है अब आप देखिए इसमें सिर्फ आपका आइडेंटिटी क्यों प्रेजेंट है बाकी क्यों ऑबेंट है ठीक है तो मैंने आपको देखो पहले भी बताया था अगर आपको मालूम है तो होगा तो आप कर लेंगे अगर नहीं मालूम होगा तो थोड़ी दिक्कत आएगी ठीक है तो देखो सबसे पहले तभी मैं कहती हूँ पुराना वाला भी पढ़ते रहना तो सबसे पहले हमने देखना है सेंटर ऑफ सिमिट्री प्रेजेंट है या नहीं सेंटर ऑफ सिमिट्री में मैंने आपको बताया था क्या करना होता है आपने मॉलिक्यूल के सेंटर पर जाना होता है सेंटर से अगर आप आगे भी बढ़ेंगे या फिर पीछे बढ़ेंगे तो आपको सेम ग्रुप मिलेंगे आगे एक्स मिल रहा है तो पीछे भी एक्स ही होना चाहिए अगर यहाँ को जाते समय वाई मिल रहा है तो यहाँ को जाते समय भी वाई ही मिलना चाहिए समझ में आया लेकिन आप यहाँ और यहाँ दोनों आपके उसी के एग्जाम्पल है यानी कि सीवन पॉइंट ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं इसका मतलब यहाँ सेंटर ऑफ सिमेट्री तो ऑब्वियसली बात एपसेंट होगी तो यहाँ देखिए आप यहाँ आगे को जा रहे हैं तो आपको बी मिल रहा है बट आप पीछे को जाएंगे तो कुछ नहीं मिल रहा है आगे को जा रहे हैं तो जाइड मिल रहा है पीछे को जाके कुछ नहीं मिल रहा है आगे को वाई मिल रहा है पीछे कुछ नहीं मिल रहा है आगे एक्स मिल रहा है पीछे कुछ नहीं मिल रहा है इसमें यहाँ सेंटर ऑफ सिमेट्री एबसेंट है क्योंकि आगे जो होना चाहिए यहाँ एक्स है तो यहाँ भी एक्स होना चाहिए अब दूसरी चीज में समझो यहाँ टी के केस पर तो देखो यहाँ टी है, आपका सेंटर है सेंटर से आप आगे गए आपको मिला बी आर अगर आप पीछे जाएंगे तो भी आपको बी आर मिलेगा इतने सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है बट यहाँ पर को पीछे जाके कुछ नहीं है इसके पास आगे इसके पास सी एल है बट इसके पीछे कुछ नहीं है यहाँ सी एल है बट यहाँ बी आर आ गया ओके तो आप समझ लीजिए किन दोनों मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री एबसेंट है समझ में आए कैसे अपसेंट है कैसे पता करता है ठीक है अब दूसरी चीज हमारी कहते हैं दूसरी थी हमारा एक्सिस ऑफ ऑफिट्री एक्सिस ऑफ सिमिट्री में हम लोग क्या कहते हैं अगर हमने इस मॉलिक्यूल के डंडा एक डाल दिया खड़ा डंडा इस मॉलिक्यूल में इस थ्री डी में है आपने इसमें डंडा डाल दिया और आपसे इसे रोटेट कर रहे हैं ऊपर से घुमा रहे हैं जैसे लट्टू घुमाते हैं ठीक है आपने इसे घुमाया ऐसे और घुमाने के बाद आपकी जो इमेज बनी आपने किसी भी एंगल जैसे थ्री सिक्सटी बाई एन से घुमाते हैं बट आप अभी किसी भी एंगल से घुमाओ उसे आपको जो आप घुमाने के बाद जो इमेज मिलेगी वो दोनों आइडेंटिकल होनी चाहिए बट यहाँ नहीं होगी क्यों क्योंकि यहाँ चारों ग्रुप अलग अलग है अगर आप रोटेट करेंगे तो एक ग्रुप इस साइड पहुंच जाएगा जैसे अमोनिया के केस पर मैंने आपको दिखाया था यहाँ पर चार तीन हाइड्रोजन लगे हुए हैं आपने यहाँ से डंडा डाला आपने इसे रोटेट किया अब ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पहुंच जाए याला याला हाइड्रोजन यहाँ पहुंच जाए इनकी अपनी अपनी पोजिशन को छोड़ के दूसरी पोजिशन में भी चले जाएंगे तो हाइड्रोजन ही मूव कर रहे हैं हम यहाँ एच वन एच टू एच कह रहे हैं बट नाइट्रोजन के लिए तो तीनों हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही है ना कोई अलग हाइड्रोजन तो नहीं है तीनों हाइड्रोजन सेम सेम है हम बस आइडेंटिटी करने के लिए आइडेंटिफाई करने के लिए इनको नंबर देते हैं तो सारे हाइड्रोजन मतलब कि पोजीशन चेंज हो रहे हैं बट हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन को ही रिप्लेस कर रहा है लेकिन यहाँ देखो यहाँ पर को वाई जेड बी है आप इसे रोटेट करेंगे तो वाई की पोजीशन में बी आ जाएगा बी की पोजिशन में वाई आ जाएगा जेड की पोजिशन में ये मतलब आपस में पोजिशन एक्सचेंज कर लेंगे तो आपको आइडेंटिकल इमेज नहीं मिलेगी क्योंकि एक इमेज में बी आपका राइट right साइड होगा बट एक इमेज में बी आपका लेफ्ट साइड होगा तो इमेज आपकी आइडेंटिकल नहीं हो सकती अगर आप इसके लिए बनाएंगे तो आपको राइट साइड बार बार ही एच मिलेगा क्योंकि यहाँ पर को तीनों जगह एच एच ही है इट इस टाइप के मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमिट्री भी सॉरी ये क्या होती है एक्सिस ऑफ सिमिट्री भी आपकी क्या होती है एक्सेस ऑफ सिमिट्री भी आपकी एबसेंट होती है इतनी चीज समझ में कैसे एबसेंट हुई अब पहले ही आज तो अभी तो ये हमारा फर्स्ट फर्स्ट एग्जाम्पल है तो आपको क्लियर करके समझा रही रहे बट आगे को आप समझ जाएंगे ठीक है इस पे भी देखो इस पे भी सेम चीज होगा आपने यहां से डाल दी एक प्लेन ओके अब आप इसे रोटेट करेंगे तो रोटेट करने के बाद देखो यहाँ पे जो बी आर है बी आर की प्लेस पे आ जाएगा सीएल सीएल की पर बी आर अब आ, इमेज आपकी आइडेंटिकल कैसे रहेंगे इमेज तो चेंज हो जाएगी ना यहाँ पर अगर सीएल है यहाँ भी सीएल होता देन आप रोटेट करते तो सेम सेम सेमता बाद में भी सीएल है पहले भी सीएल है इसलिए इसमें भी एक्सेस ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है नेक्स्ट होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या कहता है अगर आप मॉलिक्यूल के जहां से आपने एक्सेस डाला वहीं से आप प्लेन डाल दो प्लेन डालने के बाद आपके जो दो इक्वल हाफ मिलेंगे जैसे मैं आपको ए का एग्जाम्पल देख बार बार समझाती हूँ आपने इसे बीस से कट कर दिया बीस से कट करने के बाद दो इक्वल हाफ मिले दो बराबर टुकड़े मिले आपको ये दोनों टुकड़े एक दूसरे की मिरर इमेज होने चाहिए और आप देखिए यहाँ पर ये दोनों मिरर इमेज भी है अगर आप एफ को मिरर के सामने रखेंगे तो आपको कुछ ऐसा अपेयर होगा इसका मतलब इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमिट्री प्रेजेंट है बट इन दोनों केस पर नहीं है क्यों आप इसे बीच से मिरर डालिए मिरर डालिए तो आपको खुद ही नहीं दिखेंगे दो तो इक्वल हाफ सी नहीं होंगे तो हो हो आपको कहीं से प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी अगर आपने इस पे आपने एक प्लेन डाल भी दिया तो आप देखिए यहाँ वाला जो प्लेन है इसके ऊपर सीएल यहाँ है इसके यहाँ बी आर आ गया यहाँ इसका बी आर है तो यहाँ इसका सीएल आ गया इट मीन इसके केस में प्लेन ऑफ सिमेट्री भी एबसेंट है अब अगला है हमारा रोटेशन रिफ्लेक्शन एक्सिस ऑफ सिमिट्री अब देखो रोटेशन रिफ्लेक्शन मैंने क्या बताया रोटेशन में आपको रोटेट करना होता है जैसे आपने एक्सिस ऑफ सिमिट्री में किया देन आपने उसे रिफ्लेक्ट करना होता है जैसे आपने प्लेन ऑफ सिमिट्री में किया अब आपका एक्सिस भी अपसेंट है प्लेन भी अप्सेंट है इसका मतलब क्या हुआ रोटेशन रिफ्लेक्शन भी अपसेंट होगा इसका मतलब हो गया इन दोनों मॉलिक्यूल में ये ऊपर की जो चार सिमिट्री है सिमिट्रिक एलिमेंट है वो हमारे क्या है अपस है इसका मतलब क्या हो गया इसमें सिर्फ आपकी बची आइडेंटिटी आइडेंटिटी तो ऑब्वियसली बात चेक करने की जरूरत ही नहीं है वो सारे मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होती है तो इसका मतलब क्या हुआ ये दोनों मॉलिक्यूल आपके असिमेट्रिक तो है असिमेट्रिक होने के साथ साथ रुकिए थोड़ी डार्क हो रही है असिमेट्रिक तो है असिमेट्रिक होने के साथ साथ इनका जो पॉइंट ग्रुप होगा आप इसे बोलेंगे सीवन पॉइंट ग्रुप से बिलोंग करते हैं ओके okay, क्योंकि इनमें ऊपर की चारों की चारों एलिमेंट ऑफ सिमेट्री क्या है अपसेंट है सिर्फ आपके पास यहाँ पर को आइडेंटिटी बची हुई इतनी चीज क्लियर है तो ऐसे मॉलिक्यूल को आप कहते हैं मॉलिक्यूल ऑफ लो सिमेट्री सिंपल था अब ध्यान से सुनना ठीक तो है अब बोल बोर्डर देर आर सम अदर एलिमेंट तो यहाँ कुछ एलिमेंट्स है विच कंटेन टू सिमेट्री अभी तो हम लोग ने लो सिमेट्री वाले मॉलिक्यूल में सिर्फ ऐसे मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूल को इंक्लूड किया जिसमें सिर्फ आइडेंटिटी है ओके अब बोल बोर्डर कुछ ऐसे मॉलिक्यूल है जिसके पास आइडेंटिटी के साथ कोई दूसरी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है यानी कि मे बी कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास आइडेंटिटी के साथ सेंटर ऑफ सिमेट्री उसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं हमने लास्ट वीडियो पे पढ़ा है ठीक है ऐसा मॉलिक्यूल भी हो सकता है, मतलब, मतलब, है अभी तक हमने पढ़ा कि ऐसा मॉलिक्यूल है कि जिसपे क्या ऊपर की चार सिमेट्री यानी कि चार एलिमेंट ऑफ सिमेट्री अपसेंट है बस सिर्फ आपके पास आइडेंटिटी है ओके okay? बट कुछ ऐसे मॉलिक्यूल भी तो हो सकते हैं जिसके पास आइडेंटिटी के साथ सेंटर ऑफ सिमेट्री भी हो ऐसा भी हो सकता है आइडेंटिटी के पास क्या हो एक्सेस ऑफ सिमिट्री भी हो ऐसा भी हो सकता है आइडेंटिटी के साथ क्या हो प्लेन ऑफ सिमिट्री हो प्लेन ऑफ सिमिट्री को हम किस रिप्रेजेंट करते सिग्मा से ऐसा भी हो सकता है आपके पास कुछ ऐसे मॉलिक्यूल हो जिसके पास आइडेंटिटी के साथ आइडेंटिटी तो सब में है आइडेंटिटी के साथ साथ क्या हो रिफ्लेक्शन रोटेशन एक्सिस ऑफ सिमिट्री भी हो यानी कि ये चार कंडीशन भी आपकी अराइज हो सकती है ठीक तो है तो यहाँ पर लिखा है देखो देर आर सम एलिमेंट विच कंटेन टू एलिमेंट ऑफ सिमिट्री दो एलिमेंट ऑफ सिमिट्री है तो पहली यानी कि ई तो आपके सब में होती है यानी कि ई तो आपकी कॉमन है उसके साथ साथ एक और भी हो सकती है जैसे आपके पास लिखा है मॉलिक्यूल विच कंटेंट सेंटर ऑफ सिमिट्री सेंटर ऑफ सिमिट्री हो जिसमें सेंटर ऑफ सिमिट्री है तो उसके साथ एलिमेंट ये जो आइडेंटिटी है वो तो होने ही है समझ में ना क्योंकि ये तो कॉमन है ठीक है, है ऐसा भी हो सकता है मॉलिक्यूल विच कंटेन प्लेन ऑफ सिमिट्री जिसे आप सी एन से रिप्रेजेंट करते हैं ऐसा भी हो सकता है कुछ मॉलिक्यूल जिसपे क्या है पॉइंट ऑफ मतलब ये हो पॉइंट ग्रुप जैसे सिंबल सीएस सी एस मतलब क्या हो जाता है सीएस नहीं यहाँ पर को है

आपको जो ग्रुप यहाँ मिल रहा था यहाँ पर को क्या मिल रहा है देखो यहाँ यहाँ तो छोड़ो यहाँ पर आप जा रहे हैं यहाँ पर को आपको कुछ ऐसा मॉलिक्यूल मिल रहा है इस पोजिशन में लेकिन यहाँ पर को वो मॉलिक्यूल नहीं मिल रहा है इट मिल्स सेंटर ऑफ सिमेट्री एबसेंट है जैसे मैंने आपको तो इससे पहले बताया ठीक है दूसरी चीज आए एक्सेस ऑफ सिमेट्री एक्सेस ऑफ सिमेट्री में क्या करना है एक एक्सिस डालना है रोटेट करना है आपको सेम इमेज मिलनी चाहिए बट इसमें वो भी नहीं मिलेगा क्योंकि एक साइड एच है दूसरे साइड भी एच होता तो मिलता आपको पहले आपका एच राइट होगा दूसरे इमेज में आपका एच जब लेफ्ट साइड हो जाएगा इट मीन मिरर मतलब जो इमेज है वो आपकी क्या है आइडेंटिकल नहीं होंगी मिरर इमेज नहीं बोल रहा मिरर इमेज तो होती बट यहाँ पर को बोल रहा है आइडेंटिकल इमेज आइडेंटिकल होगी नहीं क्योंकि एक साइड लेफ्ट हो जाएगा एक साइड राइट हो जाएगा ओके इट मीन एक्सेस ऑफ सिमेट्री भी एबसेंट है लेकिन इस पे आप देखेंगे इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है प्रेजेंट है क्यों है क्योंकि आपने क्या डाला इससे एक प्लेन डाला अपनी सपोज ये मॉलिक्यूल है आपने ऊपर से एक प्लेन डाला ठीक है प्लेन डाला तो ये क्या करेगा इसको एक दो इक्वल हाफ में कट कर देगा एक पीछे वाला हाफ हो जाएगा समझ में आ रहा है ना मॉलिक्यूल थ्री में एक हाफ इक्वल पीछे वाला हो जाएगा एक हाफ आगे वाला हो जाएगा जिसकी वजह से क्या होगा इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है इसका मतलब क्या होगा अगला आपका जो रोटेशन रिफ्लेक्शन वाला था अगर इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं यानी कि रोटेशन ही नहीं है तो यहाँ पर कोई रोटेशन रिफ्लेक्शन भी पॉसिबल नहीं है यानी कि अगर ये दोनों पॉसिबल ये दोनों अप्लाई होते देन आपका ये भी अप्लाई होता अगर आपका एक्सेस ही अप्लाई नहीं है तो आपका रोटेशन रिफ्लेक्शन भी अप्लाई नहीं होगा ओके तो क्या हो गया इस मॉलिक्यूल में क्या है plane of symmetry present है बस, plane of symmetry है है प्लेन प्लेन ऑफ ऑफ प्रेजेंट बस ठीक अब तो इसमें क्या होगा एक आपकी आइडेंटिटी तो होनी है तो इसका मतलब हो गया ये ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें आपके पास आइडेंटिटी के साथ साथ क्या plane of symmetry भी present है प्लेन ऑफ सिमिट्री प्रेजेंट है ओके तो उसका एग्जाम्पल आप कुछ इस टाइप से दिखाएंगे इस पे भी आपको सेम चीज देखी होगी इस पे भी आप सेम चीज ही देख रहे होंगे ओके तो मैं सबको एक्सप्लेन करूं देखो इतना तो समझ रहे ना इसको भी मैंने सिग्मा से रिप्रेजेंट किया इसका मतलब इसमें भी आपका प्लेन ऑफ सिमिट्री प्रेजेंट है साथ साथ आपको इसमें आइडेंटिटी भी प्रेजेंट है इसमें भी आपका सिग्मा प्रेजेंट है यानी कि प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है आपने पीछे से एक प्लेन डाल रखा है इसके जिससे इस मॉलिक्यूल को बीच से पीछ से पीछे से से कट कर दिया ठीक है कट करने की वजह से पीछे भी आपको एक इक्वल आप मिल रहा है यहाँ भी आपको एक इक्वल आप मिल रहा है जिसके से प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है लेकिन इसमें दूसरी सिमेट्री प्रेजेंट नहीं आप इसमें एक एक्सिस डालो एक्सिस के बाद रोटेशन करो आपको ये वाला एक्स देखो ये होता तो ये रोटेशन करके चलो यही चीज रिपीट करता बट अगर आपने यहाँ को एक्स भी लगा रखा है तो एक बार एक्स ये राइट में

एक्सेस ऑफ सिमेट्री प्लेन ऑफ सिमेट्री वो क्या है ज्यादा है तो ऐसे मॉलिक्यूल को आप बोलेंगे मॉलिक्यूल ऑफ हायर सिमेट्री अब ये जो मॉलिक्यूल होते हैं इनमें तीन टाइप का पॉइंट ग्रुप जनरली देखने को मिलता है एक होता है सीएन टाइप एक होता है डीएन टाइप एक होता है एस एन टाइप पॉइंट ग्रुप ओके और ये काफी इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट किसके बेसिस पे आप पेपर देख रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा कि आपको डिफाइन करने को पूछा है एसन टाइप पॉइंट ग्रुप क्या होता है सीएन टाइप पॉइंट ग्रुप क्या होता है डीएन टाइप पॉइंट ग्रुप होता है विद एग्जाम्पल ठीक है ये चीज मैंने आपको पहले नहीं बताई देखिए पहले मैं स्टार्टिंग में बता सकती थी बट आप कंफ्यूज हो जाते चीजों के साथ कि CN मतलब क्या है डी मतलब क्या है तो अब आपको चीजें क्लियर हो रही सी एन पॉइंट ग्रुप के बारे में आपसे पूछा जाएगा तो आपने क्या बताना है वो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ विद एग्जाम्पल ठीक है तो ध्यान से सुनना वीडियो थोड़ी लेंथी हो रही बट क्या है ना देखिए टीचर्स तो आपको एक पॉइंट ग्रुप पर्टिकुलरली एक लेक्चर पे पढ़ाते हैं सीएन आज के लेक्चर पे कवर करेंगे डीएन नेक्स्ट लेक्चर पे कवर करेंगे लेकिन हमको सब कुछ आज ही कवर करना है एक ही एक ही ही वीडियो पर क्लियर करना है, है? ठीक तो देखो स्टार्ट करते हैं क्या होता है? है? देखो किसके लिए stand कर रहा है? नाम से पता चल रहा है, stand कर रहा है आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए सेंटर ऑफ सिमिट्री के लिए बात कर रहा है जैसे आपका क्या है सिग्मा किसके लिए प्लेन ऑफ सिमिट्री के लिए स्टैंड करता है सिमिलरली क्या SN एसन आपके लिए किसके लिए करता है रोटेशन रिफ्लेक्शन एक्सेस ऑफ सिमेट्री के लिए बात करता है वैसे CN आपका स्टैंड करता है एक्सेस ऑफ रोटेशन के लिए अब एक्सेस ऑफ रोटेशन क्या होता है आपको एक मॉलिक्यूल दिया होगा आपको उसके क्या है एक सेंटर से क्या है एक एक्सेस पास करानी है और ये एक्सेस इमेजनरी है अब इस एक्सेस मतलब ऐसा समझ लीजिए कि उसके बीच से आपने डाल दिया डंडा आपने डंडा डाला आप क्या करना है उसे लट्टू की तरह आपने घुमाना है इसके ऊपर से और वो किस एंगल पे घुमाएंगे वो आपको पता चलेगा सी एन से इसको हम सी एन से रिप्रेजेंट करते हैं इसको आप सी एन लिखेंगे अब यहाँ जो एन की वैल्यू होगी वो इसके कॉर्नर्स के बारे में बताएगी यहाँ दो कॉर्नर्स पता है तो यहाँ पर एन की वैल्यू क्या हो जाएगी एन टू ठीक है यहाँ पर एन की वैल्यू क्या हो जाएगी टू यानी कि यहाँ पर को कौन से एंगल से घुमाते थे हम बोलते थे थ्री सिक्सटी बाई एन एंगल से और एन की वैल्यू है आपकी टू यानी कि आप इसे वन एट्टी के एंगल से दो बार घुमाएंगे याद आ रही ना पुरानी चीजें हमने अब अप, मैंने आपको बोला था यहाँ पर जो n की वैल्यू आएगी वो हो जाएगी c के n के नीचे तो आप वो करेंगे यानी कि c2 पुट कर दिया और एंगल भी यही बताएगी कि कौन से एंगल से एंगल है है वो हमारा होता n यानी कि की वैल्यू आप टू करेंगे तो वन एटी से रोटेट करेंगे साथ ही साथ कितनी बार रोटेशन करेंगे अब देखो घुमाए जा रहे घुमाए जा रहे ऐसा तो नहीं है ना कितनी बार रोटेशन करेंगे वो भी ये टू ही बताएगा ये एन ही बताएगा तो आपको रोटेशन भी कितनी बार करना है टू बार रोटेशन करना है ओके तो ऐसे करेंगे तो वो बोल रहा है किसी भी मॉलिक्यूल में रोटेशन है, एक और बार रोटेट किया वन एट्टी डिग्री से, से देन आपको जो रोटेशन के बाद जो प्रोडक्ट मिला जो आपकी इमेज मिली वो अगर आपके ओरिजिनल इमेज से क्या कर रही है मैच कर रही है आइडेंटिकल है सिमिलर है दोनों मिरर इमेज नहीं दोनों आइडेंटिकल होनी चाहिए डिक्टो सेम ओके अगर ऐसा कुछ हो रहा है देन आप समझ जाइए कि उस मॉलिक्यूल में एक्सेस ऑफ रोटेशन है ओके ओके okay, और उस मॉलिक्यूल में एक्सेस ऑफ रोटेशन होगा तो आप बोल सकते हैं उस मॉलिक्यूल में वो जो मॉलिक्यूल है वो सी एन टाइप पॉइंट ग्रुप से बिलोंग करता है ओके okay, इतना सिंपल से तो यहाँ लिखा भी है द मॉलिक्यूल हैविंग ए प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन यानी कि सी एन प्रॉपर एक्सेस ऑफ रोटेशन है और बोल रहे हैं एन इज ग्रेटर देन वन बिलोंग टू ए सी एन टाइप और यहाँ पर जो एन की वैल्यू है वो किससे ज्यादा होनी चाहिए एक से ज्यादा यानी कि सी वन नहीं हो सकता अगर मॉलिक्यूल में सी वन एक्सिस है C1 एक्सिस है तो वो मॉलिक्यूल सी एन टाइप पॉइंट ग्रुप से बिलोंग नहीं कर रहा है यहाँ पर जो एन की वैल्यू है वो हमेशा दो से ज्यादा होनी सॉरी एक से ज्यादा होनी चाहिए यानी कि सी टू होगा चलेगा लेकिन सी वन नहीं हो सकता इतनी चीज क्लियर है तो ऐसे मॉलिक्यूल को आप क्या है सी एन टाइप पॉइंट ग्रुप में इंक्लूड करेंगे सिंपल था अब आगे बढ़िए देखिए यहाँ पर कुछ एक्साम्पल से मैंने एक्सप्लेन किया काफी सिंपल एग्जाम्पल है ओके तो यहाँ पर देखो पहला है आपका सिंपल सा एग्जाम्पल जो है एच टू ओ टू का ओके एच टू ओ टू पे देखिए इसपे तो हमने पहले भी बात की थी फर्स्ट वीडियो पे ठीक है मैं आपको बार बार एक एक एग्जाम्पल समझा रही हूँ इसलिए वीडियो हमारी लेंथी हो रही है ठीक है अब आप लोगों को आ रहा है या नहीं आ रहा मालूम नहीं ठीक है तो देखो ये है आपका एच टू ओ टू अब हमने देखना है इसमें एक्सेस ऑफ रोटेशन है या नहीं तो आपने क्या है आपको पता है सी एन सी एम एक्सेस ऑफ रोटेशन डिनोट करते हैं अब देखो यहाँ पर जो n की वैल्यू वो क्या बताती है कॉर्नर्स बताती है तो यहाँ कितने कॉर्नर्स है टू कॉर्नर्स है तो यहाँ पर हो जाएगा सी टू अब सिंपल सी बात है n हमारा क्या होना चाहिए दो से एक से ज्यादा होना चाहिए और यहाँ पर दो है तो यहाँ पर कोई एक्सेस ऑफ रोटेशन की बात कर रहा है ठीक है ये वाली बात पॉइंट ग्रुप की बात हो रही है इतनी चीज क्लियर हुई अब यहाँ C2 है तो आप इसे रोटेट करना है तो कौन से एंगल से रोटेट करेंगे तो आपने करना होता है 360 सिक्सटी डिवाइडेड बाई एन एन की वैल्यू है टू यानी कि आप इसका 180 एट्टी डिग्री से रोटेशन कराएंगे और कितनी बार कराएंगे यहां पर लिखा है टू तो आपका रोटेशन भी होगा दो बार यहाँ पर लिख दिया मैंने दो बार आपका रोटेशन होगा इतनी चीज क्लियर हुई तो देखो आपने अब इसे दो बार रोटेट किया तो कुछ ऐसा टाइप का आपको प्रोडक्ट मिलेगा मैंने एग्जांपल लिखा है इसका मतलब कि यहाँ पर ये ये जो पॉइंट ग्रुप है वो अलाउ हो रहा है पॉसिबल है ये वाला पॉइंट ग्रुप तो कैसे पॉसिबल है देखिए अब ध्यान से सुनना है एच ओ ओ एच है ओके तो सबसे पहले आपने इसका क्या रोटेशन मैं इसको एच डस्ट कर देती हूँ ठीक है आपने इसका रोटेशन किया किससे रोटेट करेंगे वन एट्टी डिग्री से और यहाँ पर इसे डिनोट कैसे करते हैं ये हो गया सी मतलब यहाँ पर है सी और ऊपर हो जाएगा वन क्योंकि यहाँ पर को क्या है सी रोटेशन कौन सा ये सी टू रोटेशन है ना और ऊपर क्या है पहली बार इसका दो बार रोटेशन करना है, बता है। तो पहली बार रोटेशन कराना है तो इसके ऊपर पावर में लिखेंगे वन ओके देन रोटेशन के बाद आपको कुछ ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा कि ये एच डेस ऊपर हो जाएगा ओ ऐसा आ जाएगा ओ ऐसा हो जाएगा और ये जो एच है ये आपका नीचे हो जाएगा ये जब रोटेट होगा तो ये ऐसा इमेज बनाएगा सिंपल है अब आपने एक और बार रोटेशन कराना है कौन से एंगल से कराना है ये रोटेशन भी सी टू है और एंगल आपका 180 डिग्री और इसे आप बोलेंगे जो ये रोटेशन आप कराएंगे इसे बोलेंगे सी टू टू दूसरी बार रोटेशन हो रहा है आपका ओके अब दूसरी बार रोटेशन होगा तो ये कुछ ऐसा प्रोडक्ट होगा कि ये वापस से कहा जाएगा ऊपर यहाँ पर रहेंगे ना यहाँ इस साइड तो रोटेट होने के बाद ये एच अपनी जगह आ गया O अपनी जगह ये हो गया ये अपनी जगह तो आप देखिए आपका जो लास्ट और पहला इमेज है ये दोनों एक दूसरे के आइडेंटिकल है मिरर इमेज भी नहीं है ये इसकी मिरर इमेज है ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है बट हम लोग आइडेंटिकल की बात कर रहे हैं ये दोनों एक दूसरे के जस्ट आइडेंटिकल है सिमिलर है पूरे कॉपी है ओके okay? तो आप बोल सकते हैं कि इस मॉलिक्यूल में आपका क्या है सी एन टाइप यानी कि सी टू टाइप पॉइंट ग्रुप प्रेजेंट है सी एन नहीं गएंगे यहां पर कोई एन की वैल्यू पुट कर दीजिए क्या है टू है तो इस मॉलिक्यूल में सी टू पॉइंट ग्रुप पॉसिबल है इतनी चीज समझ में आई अब देखिए यहाँ पर मैंने आपने ऐसे नहीं लिखना है आप वहां पर को पूरा खोल के लिखेंगे तो मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ वहां आपको सिंपली आप तो जब पॉइंट ग्रुप पूछा जा रहा है तो पूरा खोल के नहीं लिखते हैं ठीक है थेके? आपको सिंपल लिखना होता है जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है ठीक है ये खोल के आप वहां आगे जब हम लोग सिमिट्री की बात करें तब समझाएंगे यहाँ आपने सिंपल लिखना है तो यहाँ पर देखो एक टर्म बार बार आ रहा है ऑर्डर ऑर्डर समझ समझिए ऑर्डर मतलब क्या हुआ ऑर्डर ऑर्डर मतलब क्या होता है देखिये मैं यहाँ पर बताती हूँ कि ऐसा नहीं ये है ये है Is equal to n ठीक है तो देखिए ऑर्डर क्या होता है देखो ऑर्डर को आप सिंपली किससे h से रिप्रेजेंट करते हैं इस पे हम सेपरेट वीडियो बनाने वाले हैं ऑर्डर क्लास सब क्लास क्या होता है ठीक है अभी मैं आपको जस्ट बता रही हूँ ऑर्डर को आप रिप्रेजेंट करते हैं h से और आपने एक और टर्म सुना होगा n हम n का यूज कर रहे हैं n होता है कॉर्नर्स ओके okay, कितने कॉर्नर्स हैं आपके पास ठीक है तो यहाँ पर को फोर्थ कौन सा ग्रुप ऑर्डर तो, होता है वो इक्वल होता है ऑर्डर okay? क्या रिप्रेजेंट करता है ऑर्डर रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ आपका सिमिट्रिक ऑपरेशन कितने आप ऑपरेशन करा रहे हैं उस मॉलिक्यूल में ओके okay? यानी कि आप बोल सकते हैं नंबर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स उस मॉलिक्यूल में कितने सिमेट्री एलिमेंट है तो बोर्ड फॉर c n पॉइंट ग्रुप के लिए आपका जो n होता है वो इज इक्वल टू होता है h के h और n इक्वल होता है ओके तो आपको पता है इस केस में क्या है नंबर ऑफ n कितना है यानी कि n कितना है आपका है 2 तो आपका h भी यानी कि ऑपरेशंस भी आपने जितने यूज किए वो कितने होंगे 2 होंगे और यहाँ पर को लिखा है टू ऑपरेशंस देखिए दो ऑपरेशंस कौन-कौन से हुए हमने पहला लिखा था ऑपरेशन क्या था c21 बनाया था ना c21 मैंने जब हम पहला रोटेशन कर रहे थे C2 हो गया पहला रोटेशन में हमने ऑपरेशन फर्स्ट लगाया तो C21 और एक ऑपरेशन हो गया C22 समझ में आ रहा इज इक्वल टू आइडेंटिटी आइडेंटिटी सब में कॉमन है तो आप इसको इज इक्वल टू आइडेंटिटी आइडेंटिटी के बराबर होगी इज इक्वल टू करते हैं इसको इंक्लूड नहीं करते हैं ऑपरेशन में ओके तो आपके पास दो ऑपरेशन तो आपको मैं बता इसलिए रही हूँ क्योंकि आपको पेपर में खोलना नहीं है चीजों को वो आप करेंगे जब आपको सिमिट्री ऑपरेशन की बात होगी कि डिफाइन सेंटर ऑफ सिमिट्री देन आप एग्जाम्पल को खोल खोल के बताओ कि हाँ इसमें प्रेजेंट है बट यहाँ पर को आप उसने एग्जाम्पल लिखा है तो आप एग्जाम्पल सही एग्जाम्पल लिख के आएंगे और उसमें आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है चीजों को आपको थोड़ा याद करना होगा ठीक है क्योंकि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं आपने यहां पर को दिखा देना है कि हाँ इसमें ऑफ रोटेशन प्रेजेंट है और ये जो आइडेंटिटी ये जो फाइनल इमेज बनाएगा वो दोनों आइडेंटिकल होंगे आपको इतना बता दिया और यहाँ पर लिखेंगे जो ऑर्डर है वो इज इक्वल टू एन है ऑर्डर जितना है उतना ही एन है यानी कि ये हो गया एच इज इक्वल टू एन और यहाँ पर को क्या है एन इज इक्वल टू टू है तो आपके पास भी ऑर्डर भी कितने हो गए टू

वन एट्टी डिग्री में तो रोटेशन होगा कितनी बार होगा दो बार होगा ताकि थ्री सिक्सटी डिग्री का रोटेशन पूरा हो सके और पहला जो रोटेशन होगा वो होगा सी टू वन दूसरा रोटेशन होगा सी टू टू का और यहाँ पर को क्या होगा ऑर्डर इज इक्वल टू एन होता है ऑर्डर आपका क्या है एच इज इक्वल टू एन होता है और एन के यहाँ पर वो है टू तो ऑर्डर भी कितना होगा आपका टू ओके okay? तो दो ऑपरेशन कौन हो गए पहला ऑपरेशन ये हो गया दूसरा ऑपरेशन ये हो गया इज इक्वल टू हो गया ई e. समझ में आया अगली चीज देखिए ये तीसरा एग्जाम्पल है सिंपल सिंपल एग्जांपल्स नहीं ठीक है ना आप यहाँ सेंटर से एक्सेस डालेंगे तो यहाँ देखेंगे आपके पास तीन कॉर्नर है तो यहाँ पर को हो गया सी थ्री एक्सेस तो यहाँ पर को जो एंगल जिसका रोटेशन जो कराएंगे कौन से एंगल से कराएंगे थ्री सिक्सटी डिवाइडेड बाई एन और एन है यहाँ पर थ्री तो ये हो जाएगा वन डिग्री का आपका रोटेशन होगा कितनी बार होगा तीन बार रोटेशन होगा और तीसरी बार रोटेशन के बाद जो इमेज आएगी वो इसके आइडेंटिकल होगी सिमिलर होगी तो यहां पर को ओवरऑल थ्री सिक्सटी डिग्री का रोटेशन कंप्लीट हो जाएगा अब आप जो रोटेशन कराएंगे वो कौन कौन से स्टेज में कराएंगे पहला कराएंगे सी थ्री वन में दूसरे कराएंगे सी थ्री टू का देन कराएंगे सी थ्री थ्री में इतनी से समझ में आ रही तो अब हम लोग क्या बोलेंगे ऑर्डर जो एच होता है वो इज इक्वल टू होगा एन यानी कि तीन आपका रोटी तीन टाइप के ऑपरेशन होंगे पहला ऑपरेशन ये दूसरा ऑपरेशन ये और तीसरा ऑपरेशन ये और ये तीनों ऑपरेशन इज इक्वल टू होंगे आइडेंटिटी के इतनी चीज क्लियर हो रही ना अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है तो आपको समझ में आ रहा होगा ठीक है इतनी चीज क्लियर होगी अब हम आगे बढ़ते हैं तो ये वाला पॉइंट ग्रुप आपको क्लियर है तो आपने पहले क्या बोलना सी पॉइंट ग्रुप आपसे पूछेंगे तो पहले आप बताइए कैसे मॉलिक्यूल में सीएन पॉइंट ग्रुप होता है आप एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कीजिए सीएन पॉइंट ग्रुप यहीं पर खत्म नहीं होता सी एन पॉइंट ग्रुप के अगेन क्लासीफाई होता है दो टाइप में एक होता है Cnv वी दूसरे होता है आपका सी एन एच और CnH का मतलब क्या हुआ देखो पहले मैं आपको सिंपली समझा देती हूँ कि कोई मॉलिक्यूल है जिसमें आपकी क्या है सी एन एक्सिस ऑफ रोटेशन तो है यानी कि आप यहाँ पर एक एक्सिस डाल के उसे रोटेट तो कर रहे हैं बट यहां पर को क्या है वी वी लगा है तो आपको याद कीजिए लास्ट वीडियो पे हमने हमने वी वी एच एच की बात की 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 बात बात कब थी थी तब जब हम किसी मॉलिक्यूल में डालते थे प्लेन याद आ रहा यहाँ जहां हम को लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात कर रहे हैं यानी कि अगर आप उसी मॉलिक्यूल में जिसमें आपका रोटेशन है रोटेशन के साथ साथ उसमें क्या है प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है समझ में आ रहा ये किसका अब ये जो है ये प्लेन ऑफ सिमेट्री और किसके Uh, of symmetry का है, का है, ठीक दोनों का कॉम्बिनेशन रहा है जिसमें तो आप जिस आपको एक्सेस ऑफ सिमेट्री तो मिली लेकिन अगर जो इस एक्सेस ऑफ सिमेट्री वाले मॉलिक्यूल में मैं क्या है अगर आप वर्टिकली एक प्लेन डाले वर्टिकल प्लेन मैंने क्या बताया था आपको लास्ट वीडियो पर बताया था वर्टिकल प्लेन मतलब जो आपका जो Proper, जो है है ये आपकी principal axis है, suppose इसी की direction के along, यानि कि यही की के कि में इसी direction में आप आप क्या एक plane अप्लाई भी कर सकते हैं हैं तो इसे आप बोलते ओके okay? लेकिन अगर क्या है ये आपकी principal axis है, आप इसके हॉरिजेंटली यानी कि इसके परपेंडिकुलरली एक प्लेन पास करा सकते हैं ऐसा कंडीशन पॉसिबल हो रही है तो इस टाइप के प्लेन को आप कहते हैं हॉरिजेंटल प्लेन इतनी चीज क्लियर है तो ये क्या बोल रहे हैं सीएनवी मतलब ऐसा कंपाउंड जिस पे क्या है एक रोटेशन यानी कि एक्सेस ऑफ रोटेशन तो पॉसिबल ही है ये तो पॉसिबल करा रहा है लेकिन उसके साथ साथ अगर आप उसमें वर्टिकल प्लेन डालें यानी कि आपका प्रिंसिपल एक्सेस इस साइड है और इसी साइड से आप एक प्लेन डाल के उसे दो इक्वल आइडेंटिकल हाफ्स में कट कर सकते हैं इस टाइप के मॉलिक्यूल आ जाते हैं इस टाइप के पॉइंट ग्रुप में यानी कि सी पॉइंट ग्रुप के अंदर सिमिलरली यहाँ पर आप देखिए आगे बढ़िए यहाँ पर को लिखा है सी एन एच पॉइंट ग्रुप मतलब क्या हुआ अगर आपका मॉलिक्यूल है उसमें क्या है सी एन एक्सेस ऑफ रोटेशन तो है ही उसके साथ साथ अगर आप उसके वर्टिकली उस मॉलिक्यूल में वर्टिकली सॉरी हॉरिजेंटली यानी कि आपका प्लेन यहाँ पास हो रहा है यानी कि एक्सेस आपकी ये है और इसके हॉरिजेंटली आप एक प्लेन पास करा दा रहे और ये प्लेन पास कराने की वजह से वो मॉलिक्यूल दो इक्वल हाफ्स में कट जा रहा है और वो इक्वल हाफ्स क्या आइडेंटिकल है तो ऐसे मॉलिक्यूल को आप बोलेंगे वो कौन से पॉइंट ग्रुप में इन्वॉल्व होते हैं सी एन एच टाइप पॉइंट ग्रुप में इन्वॉल्व होते हैं समझ में आ रहा है चीजें क्लियर हो रही ना तो देखिए अब मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ यहाँ पर को लिखा क्या उससे समझाती हूँ ठीक है तो सी एनवी पॉइंट ग्रुप लिखा द मॉलिक्यूल विच हैविंग ए सी एन प्रॉपर एक्सेस ऑफ रोटेशन प्रॉपर एक्सेस ऑफ रोटेशन है एन एन नंबर के ना यहाँ पर जो ये एन है एन नंबर के आपके पास क्या है प्लेन्स में आप उसे कट्स कर कट सकते हैं तो ऐसे पॉइंट ग्रुप को कहते हैं सी एन पॉइंट ग्रुप ओके अब देखिए यहाँ पर जो एच है यानी कि जो ऑर्डर है वो इक्वल है टू एन यानी कि जो आपका एच होगा नंबर ऑफ ऑपरेशन जो होंगे वो इक्वल होंगे टू इन टू एन यानी कि एन की जितनी वैल्यू होगी यहाँ पर उसका डबल ओके okay? अब देखिए डबल तो होगा ना अब यहाँ पर कोई एक और चीज लिखी है और डबल कैसा होता है मैं आपको बताती हूँ देखिए डबल इसलिए होगा क्योंकि आपके पास सपोज क्या है अगर आपके देखो वो बाद में बताने कंफ्यूज रहेंगे तो आगे को सुनिए अब लिखा है इसमें इफ एन इज इको टू इवन अगर आपका एन जो है वो इवन आ गया टू फोर सिक्स ये सब हो गए उस केस में एन बाई टू ऑफ वन आर ऑफ वन टाइप एन n बाई टू ऑफ अनदर टाइप बताती हूँ और अगर n आपका ऑड होंगे तो सारे जो आपके आ, ये होंगे ऑपरेशन होंगे वो सेम होंगे कैसे मैं आपको बताती हूँ ठीक है कंफ्यूज हो जाएंगे वरना आप ठीक है यहां पर देखिए ये है आपका वाटर मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल में क्या है एक आप एक्सिस ऑफ रोटेशन पास करा सकते हैं क्योंकि आप इसे रोटेट करेंगे ठीक है ये भी मैंने आपको एग्जांपल बताया था ना रोटेट करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर को कौन सा रोटेशन होगा वन एट्टी के दो रोटेशन होंगे सी है समझ पाला दो बार रोटेशन करेंगे तो आपका क्या होगा एक तो सी वन ऑपरेशन होगा एक सी टू ऑपरेशन होगा इतनी चीज क्लियर हुई अब देखो जो हमारा ऑपरेशन है वो कितना है टू एन यानी कि एन आपका क्या है टू है कॉर्नर आपके टू है ना तो एच तो देखिए हम यहाँ पर सी एन वी की बात कर रहे हैं आपका जितना सी एन वी मतलब क्या भाई ये एच है अगर आपके टू आपके क्या है सी एन है तो दो आपके सी एन वी भी होंगे समझ में आया नहीं आ रहा समझ में मैं आपको ऐसा बताती हूँ देखिए एक मिनट हा ये ऐसा बोलता है देखो आपको क्या होता है सीएनवी की बात कर रहा है ना सीएनवी में आपके जितने सीएन होंगे उतने ही आपके सीवी भी होंगे समझ में आया जितने आप क्योंकि ये क्या बोल रहा है आपके जो ऑपरेशन है वो कितने होने चाहिए इसमें चार होने चाहिए और अगर आपका सीएन कितने हैं दो है तो दो ही आपके सीवी भी होंगे तभी आपके ओवरऑल ये होंगे चार तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना ये ट्रिक जैसी होती है कि आप क्या कीजिए ये जो वाटर मॉलिक्यूल इसने दिया हुआ है इस वाटर मॉलिक्यूल में ऐसा लीजिए आपने देखो ये रोटेशन का तो समझ में आ गया ना आप इसे दो बार रोटेशन करना है पहला रोटेशन होगा सी टू वन दूसरा रोटेशन होगा सी टू टू ओके अब हमें पता है आप इसके क्या करें ये आपका रोटेशन है आप इसमें वर्टिकली यहां पर से आपने क्या डाल दिया एक ये वर्टिकल प्लेन डाल दिया अब आप प्लेन पास करके खुद ही देख लीजिए ये इमेज इसकी ये दोनों इक्वल हाफ में कर जाएंगे और ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज बन गए मिरर इमेज बन गए अब देखिए इसका मतलब यहाँ पर को वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है अब आप इसे देखेंगे ना सी में देखेंगे तो इसमें दो बार वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है बट आपको दिख नहीं रही है ठीक है है तो उसके लिए ये ट्रिक है कि आपको क्या करना है जितने नंबर के ये सी एन है उतने ही नंबर के आपके जितना सी एन है उतना ही सीवी भी होगा तो आप क्या कर लीजिए इतने ही नंबर के सीवी लिख दीजिए यानी कि आप लिख दिए सी टू वी ठीक है इसे सिंपल सी वी भी लिख सकते हैं ठीक है आपने लिख दिया सी वी और इसे लिख दिया सी बी डे ऐसा लिख सकते हैं इज इक्वल टू क्या हो गया आइडेंटिटी इज इक्वल टू हो गया आइडेंटिटी तो ये चार ऑपरेशन आपके यहाँ प्रेजेंट है वन टू थ्री फोर क्योंकि एच हमारा कितना निकला था एच निकला था फोर क्योंकि ये था टू इन टू एन एन है हमारा टू तो ओवरऑल हो, हो गया हमारा फोर हो गया समझ में आ रहा ना अब देखिये ये जो क्या बताना चाह रहा था यहाँ पर लिखा था इफ एन इज इक्वल टू इवन अगर ये आपका दो चार छ है, है तो यहाँ पर दो है तो इस केस में ये बोल रहा है जो आपका ये है जो वर्टिकल प्लेन की बात कर रही है ये आपके दोनों वर्टिकल प्लेन अलग अलग होंगे यानी कि एक आपका सीवी होगा एक सीवी डेस्क से आप इसे रिप्रेजेंट करेंगे सिमिलरली तीन होते तो आप इसे सीवी सीवी डेस्ट सीवी डेस्क से रिप्रेजेंट करते अगर ये क्या है ऑड होते ऑड यानी कि ये तीन हो रहे हैं सॉरी तीन होंगे तो वो हाँ तीन होंगे उस केस में क्या होंगे सारे जो आपके वर्टिकल प्लेन होंगे वो एक जैसे होंगे आप सबको सीवी 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 करके रिप्रेजेंट कीजिए लेकिन आपको यहां लगाना पड़ेगा डेस्क इतनी चीज क्लियर हो रही अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल पे आप देखिए यहाँ पर को क्या है सी प्लेन है क्योंकि यहाँ पर को भी आपको दो कॉर्नर मिलेंगे तो इसमें भी क्या है एक सी टू प्लेन प्रेजेंट है सी टू प्लेन प्रेजेंट है तो आप समझ जाइए एन इजिकल टू कितना है टू ठीक है तो एच इजिकल टू कितना होगा फोर यानी कि चार ऑपरेशन होंगे कैसे दो ऑपरेशन इसके होंगे दो ऑपरेशन वर्टिकल प्लेन के होंगे अब आप, आप इसमें एक वर्टिकल प्लेन डालिए तो दो आपको मिरर इमेज मिल रही है ये आपने यहां से वर्टिकल प्लेन हो गया ना यही आपकी एक्सिस थी प्रिंसिपल इसी से आपने एक प्लेन डाला तो वर्टिकल प्लेन और ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है इसका मतलब क्या है इसमें क्या हो गया दो आपके एन हो गए दो आपके क्या हो जाएंगे सॉरी दो आपके क्या है ये सी टू वाले एक्सिस हो गए दो आपके बी वाले हो जाएंगे ठीक है तो आप इसे कैसे लिखेंगे सी टू वन सी टू टू इज इक्वल टू आइडेंटिटी इज इक्वल टू टू सी वी ये आपका दो सीवी होंगे एक होंगे सीवी एक होगा सीवी डेस्ट क्योंकि ये क्या है ऑड इवन नंबर के इवन में ये दोनों अलग अलग होनी चाहिए इतनी चीज समझ में आ रही आई ना इतनी चीजें अब आगे को बढ़ते हैं देखो सी एन एच की बात क्या कर रहा है सी एन एच में क्या होगा इस मॉलिक्यूल में सी एन एक्सिस तो होगी लेकिन उसके साथ क्या होगा हॉरिजेंटल प्लेन आपकी एक्सिस इस साइड से जा रही है तो आपको प्लेन ऐसा डालना होगा ठीक है हॉरिजेंटली तो ये लिखा है द मॉलिक्यूल विच हैविंग ए प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन यानी कि सी एन होना चाहिए एंड हॉरिजेंटल प्लेन ऑफ सिमेट्री उसी के साथ साथ उस मॉलिक्यूल में क्या है एक हॉरिजेंटल प्लेन ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए अगर मॉलिक्यूल ऐसा है देन वो आपका सी एन एच टाइप के पॉइंट ग्रुप से बिलोंग करेगा और इस पर जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा जैसा पहले था टू एन होगा यानी कि एच इजिकल टू अभी भी क्या होगा टू एन होगा डबल ओके okay? और यहाँ भी सेम चीज है टू एन है अगर ये आपका हो गया फोर तो इसमें से दो आपका क्या होंगे सी एन होंगे और दो आपके क्या होंगे सी एच होंगे इतनी चीज समझ में तो यहाँ पर एग्जाम्पल देखो एग्जाम्पल है आपका ग्लायोग का ठीक है तो यहाँ पर को देखो इस पे क्या है आपका सबसे पहले आपका प्रॉपर एक्सिस जो है वो आपकी ये है ठीक है ये है आपकी एक्सिस ठीक है ये आपने इससे रोटेट किया इसमें मिला आपको सी टू ओके ये हो गया C2 ठीक है अब ये C2 से आपने इसे रोटेट कर रहे हैं तो आपका ऑर्डर कितना होगा फोर होगा मैं इनको यहां से रख कर देती हूँ एक मिनट तो देखो इस पे सी टू एक्सेस का रोटेशन आपको मिला तो आपको क्या है? एक मिनट ये सी टू हो गया तो एन इज इक्वर टू कितना है टू है तो एच ऑपरेशन कितने होने चाहिए चार होने चाहिए ऑपरेशन ओके अब देखो एक रोटेशन क्या होगा इसमें होगा सी टू वन एक रोटेशन होगा सी टू टू इज इक्वल टू हो गया ई e, उसके साथ दो इसमें हॉरिजेंटल हो होंगे एक होगा सी एच दूसरा भी होगा सी एच यानी कि इस मॉलिक्यूल को कुछ इसमें जो वो ऑपरेशन है वो ऐसे ऑपरेशन होंगे ओके ऑपरेशन ये हो गया और इसका मतलब आप समझ जाए कि ये मॉलिक्यूल जो है वो सी एन एच टाइप के पॉइंट ग्रुप से बिलोंग कर रहा है क्यों क्योंकि क्या है इसमें ये एक्स ऑफ रोटेशन तो है आप इसे घुमाइए आप इसमें दो बार घुमाएंगे कितने एंगल से 180 एट्टी डिग्री एंगल से आपको सेम इमेज मिलेगी आपको बना के नहीं दिखाना है बस बोल देना है कि हाँ आपको एग्जाम्पल याद करने होंगे ठीक है क्योंकि इतना बड़ा खोल के वहां क् नहीं दिखा सकते ठीक है अब उसके बाद देखेंगे आप क्या है यह आपकी एक्सिस है लेकिन आप इसको क्या है हॉरिजेंटली इसके परपेंडिकुलरली एक प्लेन पास करा रहा है और ये प्लेन इस मॉलिक्यूल को कट कर दे रहा है यहाँ से कट कर रहा है ऊपर से कट करने की वजह से ये हो गया सिग्मा एच ये आपका हॉरिजेंटल प्लेन पड़ रहा है इसमें जिसकी वजह से क्या होगा ये प्लेन कुछ ऐसा होंगे ठीक है प्लेन से कट हो रहा है इसका मतलब इसमें सी एन एच टाइप का पॉइंट ग्रुप है अब इसमें कौन से ऑपरेशन होंगे तो इसका इतना तो क्लियर हो गया इसमें ऑपरेशन होंगे होंगे चार क्योंकि ऑर्डर है चार चार और वो ऑपरेशन कुछ इस टाइप के होंगे इतनी चीज क्लियर है सिमिलरली आप इसका भी निकालिए इसमें क्या है तीन है यानी कि इसमें सी थ्री है तो ऑपरेशन कितने होंगे यानी कि ऑपरेशन यानी कि एच इज इक्वल टू होना चाहिए थ्री एल तो एच इज इज इक्ल टू हो जाएंगे सिक्स और जिसमें क्या होंगे एक होगा सी थ्री वन एक होगा सी थ्री टू एक होगा सी थ्री थ्री इज इक्वल टू आइडेंटिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एक होगा आपका सी एच दूसरा भी होगा सी एच और तीसरा भी होगा सी एच यानी कि थ्री सी एच हो जाएंगे ओवरऑल ओके तो इसका मतलब क्या है इस मॉलिक्यूल में देखो अब आप में तीन ये सी एच से कट कर रहा है अब आप यहाँ प्लेन पर देख नहीं सकते ठीक है तो मुश्किल है तो देख नहीं सकते इसलिए ये ट्रिक होती है ठीक है तो आप एग्जांपल से सीधे बताना एस थ्री बीओ थ्री का एग्जांपल देना एंड देन बताना कि इसमें क्या है ये आपका है एक्सिस ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन जो कि C3 से रोटेट कर रहा है बट आप इसे क्या है एक प्लेन से पास करा रहे जो कि तीन बार काट कट कर, कर सकता है जो कि तो टोटल नंबर के ऑपरेशन आपके ये हो गए सिक्स ऑपरेशन आप इसमें प्रेजेंट होंगे इतनी चीज क्लियर है अब, अब देखिए अब आगे बढ़िए अब है आपका डीएन टाइप पॉइंट ग्रुप ठीक है तो डीएन टाइप पॉइंट ग्रुप काफी इंपॉर्टेंट है ध्यान से सुनना इसे तो डीएन टाइप पॉइंट ग्रुप पे भी क्या होगा चीज होगा कि किसी भी मॉलिक्यूल में जो डीएन टाइप पॉइंट ग्रुप है वो तीन टाइप में क्लासिफाई होता है मतलब कि डीएन पॉइंट ग्रुप भी तीन में क्लासिफाई होता है एक होता है सिंपल डीएन एक होता है डीएनएच एक होता है डीएनडी ओके तो देखो डीएन क्या होता है डीएनडी क्या होता है डीएनएच क्या, क्या होता है हम सिंगल सिंगल सबको पढ़ते हैं सिंपल है अच्छे से समझ में आएगा देखो

उस मॉलिक्यूल में क्या है उतने ही नंबर के एन नंबर के क्या होने चाहिए सी टू एक्सेस प्रेजेंट होने चाहिए समझ में आया पहले आप देखिए उसमें क्या है सी एन रोटेशन होने चाहिए अब यहाँ पे एन की वैल्यू कुछ भी आई सपोज एन की वैल्यू टू आई तो इतने ही नंबर के यानी कि दो नंबर के क्या है इसके परपेंडिकुलर ठीक है परपेंडिकुलर सी एन एक्सेस होने चाहिए यानी कि सॉरी सी एन नहीं होने चाहिए ये होने चाहिए सी टू एक्सेस होने चाहिए समझ में आया जितना नंबर का एन है उतने ही नंबर की उसके परपेंडिकुलर सी टू एक्सेस होने चाहिए ओके तीसरी चीज बोल रहा है मॉलिक्यूल बिलोंग टू अगर ऐसी कंडीशन है तो वो मॉलिक्यूल डी टाइप पॉइंट ग्रुप से बिलोंग करेगा इस केस में जो ऑर्डर होगा यानी कि जो नंबर ऑफ ऑपरेशन होंगे वो इक्वल होंगे टू एन यानी कि एन का डबल अगर आपका सी टू है तो इस केस में जो ऑपरेशन होंगे वो कितने होंगे चार चार ऑपरेशन आपके यूज होंगे इतनी चीज समझ में आए क्या बोला हमने कि कोई भी मॉलिक्यूल में सबसे पहले देखना है कि एक्सेस ऑफ सिमिट्री है या नहीं अगर उसमें सपोज C2 टू एक्सेस ऑफ सिमिट्री है और उसके साथ साथ ये C2 तो हम लोग पर भी पढ़ा था CN के केस पर भी C2 वाला पढ़ा था लेकिन अगर उस मॉलिक्यूल में क्या है C2 के यानी कि जो C2 टू एक्सेस है उसके परपेंडिकुलर दो C2 टू एक्सेस और है ये जो टू है उतने ही नंबर की C2 टू एक्सेस और होनी चाहिए अगर मॉलिक्यूल में ऐसा है देन वो मॉलिक्यूल डीएन पॉइंट ग्रुप से बिलोंग करेगी समझ में आया एग्जाम्पल से समझाते हैं देखो और क्लियर होगा दो एग्जाम्पल से आप टीचर को एक्सप्लेन करेंगे पहला एग्जाम्पल है सी टू एच फोर का दूसरा है बाईफिनाक का ओके तो सिंपली देखिए सी टू एच फोर में एक आपको सेंटर पे मिलेगा सी टू रोटेशन ये आपका जो सेंटर है उस सेंटर से अगर आप रोटेशन करेंगे देखो आप ये कर तो सकते नहीं है कर सकते नहीं है आपको जैसा बोला जाएगा आपको ऐसा मानना पड़ेगा क्योंकि अभी आप करेंगे कैसे ठीक है करना बहुत मुश्किल हो जाएगा ठीक है तो क्या होता है इसके सेंटर के थ्रू भी आप इसका रोटेशन कर सकते हैं यहाँ पर से तो यानी कि इसमें क्या है सी टू रोटेशन प्रेजेंट है कॉर्नर्स इसके टू हुए यहाँ पर सी एन रोटेशन पॉसिबल है और कॉर्नर्स टू है तो ये जो रोटेशन है एक्सिस ऑफ ये आपका पूरा ऑफ रोटेशन है ओके okay? तो कौन सा एक्सिस ऑफ रोटेशन है आपके पास सी टू एक्सिस ऑफ रोटेशन है अब एक्सिस ऑफ रोटेशन तो है बट डीएन के लिए क्या बोला था जितने यहाँ पर को एन की वैल्यू है उतने ही नंबर के आपके पास सी टू एक्सिस और होने चाहिए तो यहाँ पर को दो है तो आपके पास दो C2 टू और प्रेजेंट होने चाहिए जो कि इस एक्सिस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए तो देखिए ये आपका ऐसे है तो इसके परपेंडिकुलर ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है तो आप देखिए यहाँ पर भी आप C2 टू निकाल सकते हैं एक एक्सिस ये एक एक्सिस ये इसका मतलब इस मॉलिक्यूल में क्या है डी टू एन टाइप का पॉइंट डी टू टाइप का पॉइंट ग्रुप प्रेजेंट है क्योंकि हम इसे बोलते हैं डी एन लेकिन एन की वैल्यू आप पुट कर लीजिए एन की वैल्यू टू तो इसका मतलब ये जो मॉलिक्यूल है वो डी टू टाइप पॉइंट ग्रुप से बिलोंग करता है इतनी चीज क्लियर है अगर यहाँ पर को तीन होता कॉर्नर्स तीन होते तो ये हो जाता सी थ्री टाइप का मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल में तीन सी टू एक्सेस होने चाहिए इसके प्रपेंडिकुलर इस वाले मेन एक्सिस के प्रपेंडिकुलर अगर ऐसा है तो ये मॉलिक्यूल डी थ्री टाइप के पॉइंट ग्रुप से बिलोंग करेगा सिंपल सिमिलरली आप बाइफिनाइल का एग्जाम्पल देखिए बायफिनाइल के सेंटर पे आपको एक रोटेशन मिलेगा जिससे आप बोलेंगे दो कॉर्नर है तो ये सी एन होना चाहिए बट एक्चुअल में क्या हो जाएगा दो कॉर्नर एन की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा सी टू समझ में आया सी तो हो गया बट हमने क्या देखना सी टू के परपेंडिकुलर दो C2 और होने चाहिए दो तो ये हो गया और कौन से सीट होना चाहिए C2 होने चाहिए तो दो C2 है एक C2 ये हो गया एक C2 ये हो गया तो ये मॉलिक्यूल यानी कि जो बाइफिनाइल है ये भी D2 टू यहाँ पर डीएनएन के बदले हो जाएगा टू यानी कि टू से बिलोंग कर रहा है सिंपल इतनी चीज क्लियर हुई तो ये था आपका Dn पॉइंट ग्रुप अब है आपका डीएनएच के केस पे क्या होगा सारी कंडीशन वही होगी कि आपके पास एक होना चाहिए प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन यानी कि सी एन ठीक है जिसे आप बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन ये तो आपके पास होना ही चाहिए इस रोटेशन में जो n की वैल्यू है उतने ही नंबर के आपके c2 टू एक्सेस होने चाहिए ओके जो कि किसके पर पेंडिकुलर होंगे जो ये आपकी जो मेन है c2 टू एक्सेस यानी कि सॉरी सी एन एक्स यहाँ पर n की वैल्यू कुछ भी हो सकता है उसके पर पेंडिकुलर होनी चाहिए लेकिन ये एक्सेस c2 ही होगी ठीक है सी थ्री सी फोर नहीं होगी सी टू ही होगी ओके तो ये कंडीशन होनी चाहिए जैसे हमारे ऊपर की थी जैसे डीएन की थी वैसी ही होनी चाहिए बट इसमें एक और चीज आ गई ये है एच एच मतलब कि इसमें एक हॉरिजेंटल प्लेन भी होना चाहिए यानी कि जो आपका ये एक्सेस ऑफ रोटेशन है इसके क्या है यानी कि इसके परपेंडिकुलरली एक प्लेन भी होना चाहिए ठीक है इतनी कंडीशन अगर मॉलिक्यूल फॉलो कर रहा है देन वो मॉलिक्यूल आपका मॉलिक्यूलएच टाइप पॉइंट ग्रुप से बिलोंग करेगा तो आपने क्या करना है डीएनएच में आपने दो एग्जाम्पल के थ्रू आपने एक्सप्लेन करना है ये दो एग्जाम्पल रट लीजिए आप सिंपली रट लीजिए ठीक है क्योंकि वहां आप सोचते नहीं बैठोगे ठीक है तो आपको रट लेना है बी टू एस सिक्स एक है बी एफ थ्री ओके तो देखो यहाँ पर कंडीशन भी लिखा है मॉलिक्यूल ए सी एन प्रॉपर एक्सेस ऑफ रोटेशन पहली चीज मॉलिक्यूल में सी एन प्रॉपर एक्सेज ऑफ रोटेशन होने चाहिए और एन यहाँ पर जो एन है उसी एन नंबर के सी टू एक्सेस भी होने चाहिए ओके

सबसे सिंपल सबसे इसके सेंटर पे अगर आप देखेंगे यहां पर आपको मिलेगा सी टू मॉलिक्यूल में सी टू एक्सेस और रोटेशन प्रेजेंट है ओके पहली चीज दूसरी चीज अब इसमें क्या होनी चाहिए दो आपके पास सी टू एक्सेस होने चाहिए जो की इसके परपेंडिकुलर होने चाहिए और वो है एक तो ये हो गया देखो सी टू एक्सेस कॉर्नर दो है ये एक हो गया इसके भी कॉर्नर्स दो है तो ये भी हो गया दो सी टू एक्सेस बट इसमें आप देखेंगे इसमें एक हॉरिजेंटल आप प्लेन पास करके इसे दो इक्वल हाउस में भी कट कर सकते हैं जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल जो है वो डी हो सकता था बट ये कहा हो गया डी टू एच हो गया क्यों क्योंकि यहाँ पर को आप एक हॉरिजेंटल प्लेट कट कर डाल के इस मॉलिक्यूल को दो इक्वल हाउस में भी कट कर, कर सकते हैं ठीक है सिमिलरली दूसरा है बी एफ थ्री बी एफ थ्री के केस पे क्या हुआ देखिए यहाँ पे भी आपको सेंटर पे देखेंगे अगर आप यहाँ से रोटेशन करेंगे तो यहाँ पर सी थ्री रोटेशन मिल रहा है

इतनी चीज क्लियर हुई सिंपल था अब हम आगे बढ़ते हैं अब लास्ट है हमारा डी थ्री डी एन डी ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तक तो देखो डरावना सा लग रहा है बट सिंपल है ठीक इस है इसकी कंडीशन क्या होगी वही कंडीशन की इसपे सी एन प्रॉपर एक्सेस ऑफ रोटेशन होना चाहिए एन जितने हैं उतने ही नंबर के आपके पास सी टू एक्सेस होनी चाहिए उसके साथ साथ इस पे क्या है एक डी होना चाहिए डी मतलब इसमें एक डायगोनल मतलब कि डाई प्लेन होना चाहिए ठीक है अब देखो इसमें क्या होना चाहिए एन नंबर का ही डाईहेड्रल प्लेन होना चाहिए इतनी चीज क्लियर है अब उसको आप एक्सप्लेन करेंगे इस एग्जाम्पल से ठीक है एक सिंगल एग्जाम्पल बताया हुआ था तो देखो वो एग्जाम्पल है आपका टी एफ एगेटिव का यानी कि टीए एफ एट चार एफ येलो वाले तीन और ब्लू वाले सॉरी चार और ब्लू वाले चार okay? तो देखो इसके में में क्या है? TA के बीच में पर को रोटेशन हो रहा है जो रोटेशन है सी फोर का इसका मतलब डी फोर ओके लेकिन यहाँ पर देखिए आपको चार प्लेन देखो ये तो हो गया अब इसका मतलब है इसके बाद चार आपके पास सी टू एक्सेस भी होने चाहिए और चार सी टू एक्सेस है पहली एक्सिस है ये, इसका, ये जो ग्रीन है लाइट ग्रीन है वाली एक्सिस देखिए ये है C2 एकसेस। एक एकसेस है एक्सिस एक्सिस एक ये वाली येलो वाली एक एक्सिस है रेड वाली एक वाली है ये व्हाइट वाली तो यहाँ पर चार एक्सिस भी है जो कि सी टू एक्सिस है तो हो गया एक सी फोर एक्सिस है और सी फोर यानी कि एन इज इक्वल टू चार है तो चार सी टू एक्सिस भी है ओके उसके साथ साथ आपके पास चार डायडल प्लेन भी होने चाहिए वो है एक डायहेड्रल प्लेन यहाँ से पास होगा एक डायहेड्रल प्लेन यहाँ से समझा दिया इसे, अब एक में आपको मैं सकती है, नहीं हूँ बट आपका बिलोंग करेगा डी फोर डी पॉइंट ग्रुप से बिलोंग करेगा इतनी चीज क्लियर हुई तो ये होता है डीएनडी पॉइंट ग्रुप समझ में आया तो यहाँ पर हमारा ये पॉइंट ग्रुप फिनिश होता है ठीक है ये लास्ट हमारा डीएनडी ठीक है तो वीडियो काफी लेंथी तो थी बट क्या है मे भी थोड़ी सी हेल्पफुल रही होगी कि ये थोड़ा पकाऊ सा ही टॉपिक है बहुत सरदर्द होता है तो काफी लेंथी भी हो गई ठीक है तो अभी हम कहते हैं वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं पॉइंट ग्रुप पे दो, जो है ना आपका पॉइंट ग्रुप पे आपकी पांच छह वीडियोस बनेंगी और जो सारे टॉपिक्स है वो ना आपको सिलेबस काफी बड़ा बड़ा दिख रहा है क्योंकि चीजें रिपीट की हुई है जो पॉइंट टीचर्स पढ़ाते हैं जो चीजें आती है वो मैं आपको डायरेक्टली पढ़ाने वाली हूँ और बताने भी वाली हूँ की क्वेश्चन कैसे बनते हैं ठीक है आप जाके पेपर चेक भी कर सकते हैं लगातार जब मैं बोल रही हूँ तो आप उसे चेक भी करिए क्योंकि मैं बोल रही हूँ उसका मतलब जैसे मतलब डायरेक्ट जो क्या बोल सकती हूँ पेपर देख के ही मैं आपको बता रही हूँ ठीक है आप भी देख लीजिए अगर जो कोई प्रॉब्लम है तो तो ऐसा करते हैं अभी वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग हमारे ग्रुप थ्योरी के नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे आ, ग्रुप्स क्या होते हैं सब ग्रुप्स क्या क्या होते हैं ऑर्डर्स क्या होते हैं उनकी डेफिनेशन वगैरह पूछी जाती है तो अभी हम वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे तब तक के लिए बाय बाय